प्रभु की कृपा का एहसास करना और प्रतिपल उस ब्रह्म में स्वयं को अनुभव करना, ये योग निद्रा। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, छोड़ते समय योग निद्रा को, आंखों पर हाथ रख लेना, बाई करवट लेते हुए बैठ जाना। ये आज करवाया हमने आपको आधा घंटे का योग अभ्यास। यदि आपने इतना भी कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, किसी जटिल रोग से आप त्रस्त हैं, तो आपको अधिक वक्त करना पड़ेगा योग अभ्यास। लेकिन इतना तो जरूर कर लेना। सदा प्रसन्न रहना, सुबह उठ के बस दो गिलास पानी पीना, शौचादि से निवृत्त हो प्रतिदिन ही प्राणायाम कर लेना, दिन भर खुश रहना, पॉजिटिव सोचना, हर पल इस भाव में जीना, मैं भगवान में सदा विराजमान हूँ, प्रभु सदा मुझ में विराजमान है, ईश्वर ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं निभा रहा हूँ, सब कर्म प्रभु की पूजा रूप है, सारा दृश्य उस भगवान का ही स्वरूप है, और हर पल आस्तिकता के भाव में जीना, बस यही है स्वस्थ जीवन जीने का आधार, योगाभ्यास। आधा घंटे का योगाभ्यास तो जरूर करना। अब हम आपको लगभग आधा घंटे में बताएंगे स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या। योग एक पक्ष है हमारे जीवन का, मैं कहता हूं योग संपूर्ण आरोग्य का आधार है, योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, योग एक पूर्ण अध्यात्म विज्ञान है, योग एक संपूर्ण जीवन शैली। आपको पूरा अपने दिनचर्या का सिस्टम सुधारना पड़ेगा। पूरी दिनचर्या आपकी कैसी हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, सुबह उठें भगवान का धन्यवाद करें, शाम को सोते समय प्रभु का धन्यवाद करें, और हर पर भगवान में रहें, स्वयं को ईश्वर पुत्र जाने, तुम दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं, तुम ईश्वर की संतान, अमृतस्य पुत्र, इस भाव में जीना। सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु तेरी कृपा से मनुष्य का जन्म मिला, दिन भर मुझसे कोई पाप ना हो, अपराध ना हो, किसी का मैं बुरा ना करूं, किसी का अहित ना सोचूं, अपनी वाणी से किसी को गलत ना कहूं, सब में तेरा ही स्वरूप देखूं, प्रभु हर पल तुझ में जीऊं। सुबह उठ करके फिर भगवान का धन्यवाद कर, उसने मनुष्य का जन्म दिया, जीवन दिया, कृतज्ञता ज्ञापन कर, फिर अब पानी पीना, सुबह उठते एक से चार गिलास पानी। वात रोग हो, शरीर में जोड़ों में दर्द हो, कफ की प्रॉब्लम हो, मोटापा ज्यादा हो, तो गर्म पानी पीना। यदि कोई व्याधि विशेष ना हो तो बस पानी, ताजा पानी पी लेना, न गर्म न ठंडा, एक से चार ग्लास पानी पीने, इससे ज्यादा भी ना पीना। शौचादि से निवृत्त हो फिर प्राणायाम करना। सुबह प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद आप नाश्ता आदि करें, और 15-20 मिनट बाद आप पानी आदि कुछ भी चीज ले सकते हैं। खास बात, सुबह पानी पी करके 15-20 मिनट बाद प्राणायाम किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान दें। योगाभ्यास के 15-20 मिनट बाद लें, 15-20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं योगाभ्यास से। खाना खाने के 5 घंटे बाद योगाभ्यास किया जाता है, ये भी थोड़ी सावधानी जागरूकता के साथ इसको भी ध्यान से पालन करें। दिनचर्या में सुबह उठ करके आप पानी पिए, शौचादि से निवृत्त हो, प्रतिदिन प्राणायाम योगाभ्यास करें, और दातुन आप हो सके तो नीम की बबूल की करना, यदि वो ना हो तो 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल और 20 ग्राम लौंग, इन सब का पाउडर कर लें और इससे दांत साफ करें, पारिया भी मिट जाएगा, मूंग से दुर्गंध भी नहीं आएगा, दांत फूले, दांतों की कोई भी समस्या, मसूड़े फूलते हैं, मसूड़े घिस गए, ये सब के सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बस 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी कर लेना, ये मंजन कर लेना, पारिया भी अच्छा हो जाएगा। सुबह उठ करके शौचादि से निवृत्त हो, ये दंत मंजन करने की प्रक्रिया आपको बताई, जो हमारे यहाँ सदियों से करते आए थे, आज तो आप लगभग महीने में हजारों रुपए अपने दांतों पर खर्च करते हो, फिर भी आपके दांत कहां स्वस्थ रह पाते। फिर योगाभ्यास करने के बाद आप नाश्ता करना, नाश्ते में अंकुरित अन्न लेना, अंकुरित अन्न में मूंग सबसे ज्यादा निर्दोष, यदि आप स्वस्थ हैं तो उसमें थोड़ी मूंगफली, थोड़ी बादाम, 2-4, 5-10 किशमिश, 1-2 आप उसके अंदर अंजीर या मुनक्का डालें तो और अच्छा है, काली द्राक्ष, काली किशमिश, या आप उसमें मुनक्का डाल सकते हैं, अंकुरित अन्न के साथ ही उसको ले सकते हैं, पूर्ण स्वस्थ और पौष्टिक आहार आपका मिल जाएगा। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न ले, कभी दलिया बना करके ले लेंगे होगा तो कभी आप फल ही ले लें,
पपीता, सेब, आम, केला, जो भी फल आपको अनुकूल हो। लेकिन डायबिटीज आदि हो तो आप पपीता देसी ही खाना या आप सेव ले लेना। पपीता के 10-15 मिनट बाद दूध पीना कम से कम। पपीता के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के साथ नमक कभी ना खाना, विरुद्ध आहार। रात को सोते समय दही नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार है। खरबूजा तरबूजा के साथ में दूध न लेना, ये विरुद्ध आहार है। रायता और खीर दोनों साथ में नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार है, इसका ध्यान रखना। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लेना, दलिया लेना, किसी दिन मिसरी रोटी भी ले लेना उसके साथ। आप जो है मिसरी रोटी के साथ में आप मक्खन भी ले सकते हैं। पराठी पहले बात तो आप कभी खाए नहीं, और पराठे खाने भी पड़े आपको, कभी आपको इच्छा हो आप तो आप दही के साथ खाएं। दूध के साथ पराठे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें नमक आप डालते हैं। और मूली और दूध तो कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। मूलियों के पराठे और दूध तो साथ में खाने ही नहीं चाहिए आपको। यदि आपको डायबिटीज है तो सुबह उठते ही आप टॉयलेट आदि से निवृत्त हो, शौच आदि से निवृत्त हो। आप प्राणायाम करने के बाद में यदि आपको डायबिटीज है, प्राणायाम के बाद एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इन सब का जूस बना लें। इसमें 7 पत्ते नीम के डाल लें, 7 फूल सदाबहार के। यह आपके लिए एक दवाई हो गई, इससे आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी। यदि आपको डायबिटीज है तो आप अंकुरित मेथी के दाने या वैसे ही मेथी 1-2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, क्योंकि मेथी थोड़ी गर्म होती है, इसलिए उसको अंकुरित करके लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त हो, प्राणायाम योगाभ्यास के बाद में लौकी का जूस पिए। और आपको कफ है, एलर्जी है, जोड़ों में दर्द भी है, साथ में हृदय की समस्या के साथ, तो आप उस लौकी के जूस में काली मिर्च या सौंठ डाल करके लें, क्योंकि लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना, इससे एसिडिटी आपकी परमानेंट क्योर हो जाएगी, अल्सर की समस्या आपकी मिट जाएगी। लौकी का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लौकी का जूस पीने से आपके हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। लौकी का जूस पीने से आपका मोटापा भी कम होगा। लौकी का जूस पीने से आपका कलर फेयर होगा। लौकी का जूस पीने से बॉडी के जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स वो कम हो जाएंगे। लौकी का जूस पीना सुबह खाली पे। लौकी लेकर के गर्म पानी से धो लेना, छिलका सहित उसको कद्दूकस में या मिक्सर में डाल करके और उसको अच्छी तरह से पीस करके उसका जूस निकाल लेना। वो जूस उसमें 7 पत्ते तुलसी के और 7 पत्ते पुदीना के डाल लेना, 3-5 काली मिर्च डाल लेना इसी लौकी के जूस में। ये लौकी का जूस आप सुबह खाली पेट पिए। हृदय रोगी दोनों वक्त भी इसको ले सकते हैं, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए यदि ठंड हो इसके लेने से, नाक बंद होने लगे, कफ हो, तो इसमें काली मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए और थोड़ा सौंठ की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा पूरा होगा। लौकी का जूस 2-4-6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरी जिंदगी भर पिया जा सकता है, कोई हानि नहीं। जैसे हम जिंदगी भर दूध पीते हैं, जैसे हम पूरे जीवन भर हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, फूड सप्लीमेंट है, आप लौकी का जूस पीजिए, आपकी सारी व्याधियां मिटेंगी, शरीर हमेशा निरोग रहेगा। लौकी का जूस आप सुबह पीजिए, शाम को पीजिए, लौकी की सब्जी खाइए। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल 1 चम्मच लेकर के 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी बस उबालें और 1 कप बजाय छान के पी जाए और प्राणायाम करें लौकी का जूस पी। इतने ही करने से बहुत से लोगों की खतरनाक से खतरनाक हृदय की समस्या ठीक होगी। देश में करोड़ों लोगों को हार्ट की समस्या, बस यही प्रयोग करें। यदि आपको बीपी है तो भी लौकी का जूस पीना और प्राणायाम करना, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना। सुबह पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ये पानी पीने का नियम। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, दोपहर के खाने के बाद पानी पीना, 1 घंटे बाद पानी पीना, फिर पानी जरूर पीना। नहीं पियोगे पानी तो फिर व्याधियां हो जाएंगी, पेट साफ नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी, बीपी हाई होगा, इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें, किडनी ठीक रहेगी पानी ठीक पीने से। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सुबह उठ के 1-4 ग्लास पानी पिए, सुबह लौकी का जूस पिए, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करें, ये उंगली भी थोड़ी दबा लें तो बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है लौकी का जूस पीने से। एक और प्रयोग, जवारे का प्रयोग। सुबह खाली पेट गेहूं के जवारे का प्रयोग कर लें। गेहूं का जवारा अमृत है। गेहूं को 7 गमलों में बो देना। 7 गमलों में बोने के बाद 7वें दिन वो हरा घास ऊपर निकल आएगा, उसको उखाड़ लेना।
जो सफेद भाग है उसका नीचे का उसको फेंक देना, और जो ग्रीन पार्ट है उसका उसको आप लेकर के और कूट लेना। उसका रस 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। किसी किसी का पेट ज्यादा साफ होने लगता है गेहूं के जवारे से, तो वो व्यक्ति गेहूं का जवारा कम मात्रा में, शुरू में 2 चम्मच ही ले, बाद में 50 ग्राम धीरे धीरे बढ़ा दें आप। इससे क्या होगा, गेहूं के जवारे से सुबह खाली पेट आप ले लेना, ये निर्दोष है। और कभी कभी तो हर इंसान को पी लेना चाहिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे कैंसर दूर होता है। कुछ लोगों ने तो गोमूत्र का प्रयोग किया, गेहूं का जवारे का प्रयोग किया और प्राणायाम का अभ्यास किया, उसी से उनका कैंसर ठीक हुआ है। यदि आपको कैंसर है तो क्या करना, प्राणायाम करना, सभी सातों प्राणायाम करना, प्रसन्न रहना, ईश्वर पर विश्वास रखना। सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले आप गोमूत्र पी लेना, 25 से 50 ग्राम गोमूत्र, उसमें 7 पत्ते तुलसी के डाल देना, गिलोय लगभग 1 फीट डंडी लेके उसको कूट के उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको भी निचोड़ के उसी गोमूत्र में ले लेना। गिलोय, तुलसी पत्र और गोमूत्र। यदि आपको गिलोय गीली नहीं मिलते हैं तो गिलोय गुर्ज अमृता का पाउडर ही डाल लेना 1 चम्मच उसे। गिलोय, गोमूत्र, तुलसी पत्र आप ले सकते हैं एक साथ सुबह उठते खाली पेट। उसके बाद 10-5 मिनट बाद आप प्राणायाम योग अभ्यास कर सकते हैं। गोमूत्र का प्रयोग बहुत ही अद्भुत है कैंसर के लिए, गोमूत्र का प्रयोग बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है मोटापे के लिए, गोमूत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा लाभ देता है जिनको किडनी की समस्या है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, पेट की बीमारियों में, मोटापे में, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है गोमूत्र। गोमूत्र आप सुबह पी सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट। कुछ लोग तो सोमूत्र तक का प्रयोग करते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो सोमूत्र भी लाभ देता है। यद्यपि सब लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन सेवाम्बु चिकित्सा और सोमूत्र चिकित्सा के नाम से यह भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, लेकिन गोमूत्र निर्दोष है और हम गाय को पूज्य मानते हैं, इसलिए उसका मूत्र पीने में आदमी को संकोच नहीं होता है। गेहूं का जवारा और उसके अंदर यदि गिलोय डालकर के पीते हैं, ये प्राणायाम करने के बाद ले लेना आप, खाली पेट गोमूत्र उठते ही, उसके बाद योगाभ्यास और योगाभ्यास के बाद गेहूं का जवारा लेना, इसके 2 घंटे बाद नाश्ता करना। इसमें यदि गिलोय मिला करके लेते हैं तो इसे पेटलेट बढ़ जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं हो रही थी, लोगों ने गिलोय, जवारे का रस, प्राणायाम और गोमूत्र की दवाई थी। माने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगी, प्लास्टिक एनेमिया के रोगी हमने ठीक होते देखे, गिलोय, गेहूं का जवारा और प्राणायाम का अभ्यास, और यदि ब्लड कैंसर आदि भी हो गया तो गोमूत्र भी साथ में पी लिया तो ठीक हो गया सब कुछ। आप नाश्ते में फिर हल्का नाश्ता लेना, ये हमने आप नित्य प्रयोग में जो ला सकते हैं कुछ ऐसी घरेलू औषधियों के बारे में आपकी दिनचर्या के साथ उनको जोड़ते हुए व्याख्या कर रहे थे। आप सुबह खाली पेट लहसुन ले सकते हैं, लहसुन में नेचुरल शेयर्ड होता है, लहसुन से कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है, लहसुन से कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ जाता है, लहसुन से जोड़ों का दर्द ठीक होता है, लहसुन से हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलते हैं, और बहुत अल्प मात्रा में 1-2 कली लहसुन खाने से बीपी भी ठीक होता है। यदि आपको जोड़ों में दर्द है तो आप सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर ले सकते हैं। हल्दी नेचुरल स्टेड होता है, लहसुन में, गूगल में, शिलाजीत में नेचुरल स्टेड होता है। हल्दी मेथी सोंठ जो स्टेरॉयड आपके हड्डियों को मजबूत करता है, गलाता नहीं है, वो जो कृत्रिम स्टेरॉयड है, वो जो केमिकल वाला स्टेरॉयड, वो आपकी हड्डियों को खराब करता है। हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सोंठ 100 ग्राम पाउडर कर ले तीनों। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, सुरंजन मीठी 100 ग्राम, इसी में मिला ले आप पंसारी से लेकर के। ये चूर्ण 3-5 ग्राम सुबह, 3-5 ग्राम शाम को दूध से ले लें या पानी से ले लें, इससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ में प्राणायाम तो करते ही रहना और सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करते रहना। यदि आपको अस्थमा है तो आप हल्दी और सौंठ दूध में लेना, अकेला दूध नहीं पीना। और बहुत ज्यादा नजला जुकाम है, नाक बंद रहते हैं, प्राणायाम किया भी नहीं जाता है, एक तो काली मिर्च